अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिस रॉस के मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू। ये प्रोडक्ट्स मैंने कहाँ से परचेज़ किए हैं, कोई फेक पेज था या ऑफिशियल पेज था इनका, कैसे परचेज़ किए हैं और मुझे कैसे मिली हैं और इनके डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, इनकी अमाउंट क्या है, टोटल ये सारा मैं आपके साथ कंप्लीट वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे बहुत से मेकअप प्रोडक्ट, ये काफ़ी 3-4 मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं। इसमें लाइनर, मस्कारा, शाइनर, फिक्सर, हाईलाइटर वगैरह है। इस बारे में कंप्लीट मैं आपको रिव्यू दूंगी। इसके लिए आपको एंड तक मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं हम वीडियो की तरफ कि प्रॉपर हमारा मैंने पार्सल किस तरह ऑर्डर किया है और कैसे रिसीव किया और मुझे कैसा रिव्यू मिला है। तो एंड तक मेरी वीडियो को लास्ट में देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मिस रोज़ वालों की तरफ से ये पार्सल रिसीव किया है। ये पार्सल मैंने मोजे 2198 पे रिसीव हुआ है, ये इसकी अमाउंट थी। तो ऑलमोस्ट मेरी 2000 की प्रोडक्ट्स थी मेरे, आई थिंक वहाँ पे जो मैंने जिस पेज से मैंने ये परचेज़ किया वहाँ पे ये मेंशन था कि 2000 से अबव जब आप शॉपिंग करेंगे तो आपकी डिलीवरी फ्री होगी, बट टैक्सेस वगैरह डाल के इनकी ये अमाउंट बनी है। तो आई डोंट नो अबाउट कि टैक्स किस चीज़ के थे, क्योंकि टैक्स इंक्लूडिंग होते हैं मोस्टली, ऐसे ही होता है ओरिजिनल ब्रांड्स का। तो ये मिस रोज़ ऑफिशियल का इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज थी पार्सल रिसीव करते हुए, क्योंकि कि मुझे लग रहा था कि फेक पेज ना हो या इस तरह का, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। बट मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम मैंने मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किए। वैसे तो मैं बहुत से प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाती हूँ, इसके बारे में आपको रिव्यूज़ भी मेरे चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं मेकअप प्रोडक्ट्स के हवाले से कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि ये एक ऑफ़र से मैंने मंगवाया था, ये सारी चीज़ें सेल पर लगी हुई थी। तो मैंने सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट इसमें एक्सपायर होने वाली हूँ या एक्सपायर हो चुकी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। बट मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है, तो आप देखते हैं इसका रिव्यू कैसा है। सबसे पहले जब मैंने अभी पार्सल में खोल चुकी हूँ, मैंने इसको चेक किया है, तो मैं आपकी प्रोडक्ट निकालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रिसीव किया है। इसका जो है ना, ये अच्छा, ये मैंने इस तरह रिसीव नहीं किया, इसकी प्रॉपर पैकिंग हुई थी। इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। ये बबल रैपिंग के ऊपर के साथ इसकी पैकिंग की गई थी, ताकि ये किसी तरह से भी डैमेज ना हो। बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग थी, इस हवाले से मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इनका जो भी पेज था, मिस रोज़ ऑफिशियल के नाम से पेज था, तो पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है और इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मस्कारा। एक चीज़ के बारे से मैं कहूँगी, यहाँ पे प्रॉपर मुझे बिल नहीं मिला हर चीज़ का सेपरेट से, कि हर चीज़ के जिस पे प्राइस मेंशन। हाँ, इनवॉइस इसके साथ है, मतलब कि बाहर लगा हुआ है इसके, ये इस पे इस ये वाला नहीं, इसके अंदर जो बिल होता है वो वाला नहीं है इस पे, ना था। ठीक है, ये मस्कारा मैंने परचेज़ किया आई थिंक 350 में, ये मुझे सेल से मिला है। प्रॉपर मुझे प्राइसेस याद नहीं है, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मुझे याद है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा है, मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका रिजल्ट, ये देख लें आप, ये इसकी प्रॉपर पैकिंग हुई हुई थी, मुझे सही लगा। ये मैंने लाइनर मंगवाया है, इसके ऊपर भी रैपिंग हुई हुई थी प्लास्टिक से, जिसका ये मतलब, जब प्लास्टिक से ऊपर रैपिंग हुई हो तो इसका ये मतलब होता है कि उसको ओपन करने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट स्टार्ट होता, सॉरी उसका जो है ना स्टार्ट होता है कि वो कब एक्सपायर होगी। जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे, वो उसकी प्लास्टिक की रैपिंग ओपन नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसकी कोई डेट नहीं होती, कि जब ओपन होने के बाद जो है ना फिर आप उस मतलब कि आप यूज़ कर लें, क्योंकि एक्सपायर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब तक आप ओपन जितना मर्जी टाइम रखे रखें, अगर आपने ओपन नहीं किया तो वो एक्सपायर नहीं होता। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आप देख लें। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसी थी, ये शाइनर और ये हाईलाइटर तो मैंने ऐसे ही मतलब परचेज़ कर लिया, क्योंकि 2000 की शॉपिंग मैंने कंप्लीट करनी थी, फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी। तो थोड़ी मैं डरी हुई भी थी कि पता नहीं क्या निकलेगा बीच में से, बट बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला है मुझे। ये आपको दिखा देती हूँ मैं, आप देख सकते हैं।
ये मेरा किसी भी ब्रांड के साथ मेकअप के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसलिए ये इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। लाइट्स इस तरह के कलर मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे मिल भी ऐसा ही गया है। ये भी इसका बहुत अच्छा रिव्यू था। जो भी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझे दिखाई गई थी वैसे ही मुझे दी गई है। सो यही चीज़ होती है, कोई भी जो पेज है तो आप अगर वो अच्छे से चीज़ें दे रहा है, बेशक वो उनका ऑफिशियल पेज ना हो, पर्सनल उनकी वेबसाइट ना हो, कोई भी बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं तो अगर वो अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो आई थिंक उसको प्रमोट करना चाहिए। ये आई पेंसिल है ना, सॉरी आईब्रो पेंसिल है, मैं आपको दिखा दूँ। ये आईब्रोज को शेप देने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये मेकअप मेन चीज़ जो थी वो ये मैंने मंगवाई थी, मेकअप फिक्सर जो थी स्प्रे, ये मुझे 450 में मिली है। इसके अलावा ये 500 में भी, 475 में भी थी, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी मुझे वही मिली है, और बहुत ही ज़बरदस्त। इन लोगों का जो सर्विस बहुत ही अच्छी है, बहुत कम टाइम में मुझे ये रिसीव हो गया है। तो होपफुली कि आप भी मतलब कि इसको ट्राई करें तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप भी इस तरह की किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा जो काम कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेक काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन से जो वो लोगों का ट्रस्ट है वो थोड़ा डिवेलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो प्लीज़ मेरी ऐसे भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो चीज़ दिखाते हैं वही लोगों को दिया करें, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं बट लोग उनके फिर भी फिर ट्रस्ट नहीं करते। सो ये एक छोटा सा मैसेज था एंड पे, एंड अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।